हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे केकड़ा पोड़ा क्राब जिसे कहते हैं। ये देखिए, ये केकड़ा है तो इसका 10 पैर होता है। तो आगे वाला जो 2 पैर इसका हाथ जैसा काम करता है, तो इसको मैंने खेत से लाया। और ये देखिए, ये आग में थोड़ा सा इस तरह जलाना है, इसको आग में थोड़ा सा इसको जलाना है और उसके बाद इसको ले आना है। देखिए, अभी ये थोड़ा सा जल गई है। तो इसके साथ ये टमाटर है और ये थोड़ा सा इमली, हरी मिर्च और 2 पीस लहसुन, 2 पीस लहसुन है। तो पहले ये टमाटर का छिलका को ऐसे निकाल लें और इस केकड़ा का भी छिलका को ऐसे निकालना पड़ेगा। और इसका अंदर जो होता है, इसके नीचे के हिस्से के ऊपर इसको ऐसे निकलना है। इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा को भी ऐसे निकलना है। और इसके अंदर भी कुछ इस तरह का होता है, तो उस सभी को भी अच्छी तरह साफ कर लेनी है। देखिए, इसका इस अंदर तो उंगली नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको ऐसे 2 पीस में इसको 2 टुकड़े करना पड़ेगा। तो 2 टुकड़े कर लिया तो इसका जो अंदर था वो भी सारा अभी निकल कर ये बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, इस तरह इसका जो मांस होता है केकड़ा का, कुछ इस तरह होता है। तो अभी इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर दी है। और जो लहसुन है, इसका छिलका को निकालना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा अब मैंने नमक ले ली है, शुद्ध नमक है। अभी थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। अभी ये लहसुन जो है, इस लहसुन को इस तरह दबा दबा कर छोटे छोटे कर लेनी है। उसके बाद जो है हमारा इमली, इमली को भी जो थोड़ा सा हमने इमली ली है, तो इमली का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा इमली लेना है इसके साथ। और इसका जो बीज है, वो इमली का बीज को निकाल कर फेंक देनी है, ये बीज को हटा देना है। और इस तरह हमें इसका केकड़ा पूरा बनानी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, इसमें एक हरी मिर्च हम डाल रहे हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह हाथ में मिला लेनी है। और ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये केकड़ा है तो ये केकड़ा को भी इस तरह अच्छी तरह मिला लेंगे। तो केकड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम पाई जाएगी और इसमें थोड़ी सी फॉस्फोरस भी मिल सकती है, तो इसलिए ये फ़ायदा होता है हमारे खाने के लिए। तो देखिए, अभी ये टमाटर, इसका रेट तो बहुत ज़्यादा था, 100 से 150 रुपये तक। तो एक एक टमाटर का 5-7 रुपया ऐसे पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये इसमें थोड़ा एक टमाटर भी हमने ऐड कर ली है। इसको भी हमें हाथ से दबा कर इस तरह अच्छी तरह मिला लेनी है। ये सभी का इसका अभी एक केकड़ा पूरा देखिए तैयार हो गया है। इसका केकड़ा का जो मांस है, देखिए इस तरह छोटे छोटे से धागे की तरह, इस तरह छोटे छोटे धागे की तरह, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में होती है। तो ये हमारा केकड़ा पूरा हो गया। आज डिनर में ये राइस है और इसके साथ ये डालमा है और ये परवल का भजिया है और ये डालमा है और ये केकड़ा पूरे के साथ आज हम डिनर करेंगे। तो थैंक यू। आज भी आप भी इस तरह बनाइए, खाइए, मस्त रहिए।